मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 बायोलॉजी एंड आई एम योर टीचर एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे अबाउट द एनाटॉमी ऑफ एनिमल्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनाटॉमी ऑफ एनिमल्स. दिस इज द चैप्टर व्हिच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर फ्रॉग. So we are going to discuss the frog systems. Firstly, the morphology of frog we are to discuss. The frog is having an olive green color on the outer side, and it has a light tail color on the front. ये आपको पता है मॉर्फोलॉजी में आपने फ्रॉग देखा भी होगा कि उसका जो कलर होता है वो डार्क ग्रीन या ऑलिव ग्रीन होता है ऑन द डॉर्सल साइड एंड पेल होता है ऑन द वेंट्रल साइड. And frog body is divided into the head and the trunk. The neck is absent. That is the outer structure which you will see for the frog. And frog are generally, what we know about frog is that they are amphibians. वो land पे भी रहते हैं और जमीन पे भी रहने के बाद वो पानी भी रहते हैं. जब वो पानी में रहता है तो वहां पर स्विम कर सकता है वो. एंड फ्रॉग इसीलिए मैं उसको वाटर इसीलिए भी नेसेसरी है बिकॉज फ्रॉग को फर्टिलाइजेशन भी वाटर में ही होता है. जब फीमेल फ्रॉग ने दो तीन लेबलिंग्स दी हुई हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, माउथ, वेब्ड फूट, हिंड लिम्स, आईज, माउथ, फोर लिम्स, दीज आर द लेबलिंग्स विच आर गिवन फॉर द फ्रॉग. And the it belong to the phylum Chordata because it is having. मैंने मना किया है ना उसको यूज मत करो. नहीं थोड़ा सा ये नो कम से कम नहीं भी लाल लाल होता है तो कहाँ कौन कर तब रंग क्लास चल रही है.
कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, दैट मीन्स उनके कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता, और उनकी बॉडी का टेम्परेचर वेरी होता है टेम्परेचर विद इन्वायरमेंट से. तो बाहर जैसे भी टेम्परेचर होगा वैसे ही फ्रॉग अपना टेम्परेचर एडजस्ट कर लेता है, और इसी वजह से वो ज्यादा ठंड में नहीं रह सकता, ज्यादा वो हीट में नहीं रह सकता, बिकॉज अगर ज्यादा वो विंटर होंगी तो वो विंटर स्लीप में चला जाएगा. द रीजन इज दैट कि वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल, एंड हाइबरनेशन में वो पहुंच जाता है विंटर स्लीप के वक्त, और समर्स में ज्यादा समर भी वो टॉलरेट नहीं कर सकता. तो एस्टिवेशन इट शोज हैबिटेट एम्फीबियंस बोथ इन वाटर एंड लैंड, वो दोनों तरफ रह सकता है, लैंड में भी और वाटर में भी. मॉर्फोलॉजी की बात अगर करें तो आपको एक इमेज दिख रही है फ्रॉग की, जो कि ग्रीन कलर का, मैंने जैसे बताया ऑलिव ग्रीन कलर का फ्रॉग का कलर होता है, और उसके जो स्किन होती है बहुत ज्यादा मॉइस्ट और स्टिकी सी लगती है, बिकॉज उसके ऊपर म्यूकस रिलीज होता रहता है, उसके अंदर म्यूकस ग्लैंड बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज फ्रॉग की क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होती है, कैन डू द रेस्पिरेशन थ्रू द स्किन व्हेन इट इज इन द वॉटर, एंड ऑन द लैंड इट डू द रेस्पिरेशन विद द लंग्स. फ्रॉग की बॉडी डिवाइडेड होती हैड और ट्रंक में, एंड फ्रॉग के बॉडी में और क्या मॉर्फोलॉजी आप देख पा रहे हो कि उसका हेड है, उसके अंदर माउथ है अपर साइड में, और जॉज है उसके लोअर साइड में और अपर साइड में, दोनों में माउथ में उसमें जॉज है, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, एंड हेड उसका ट्राइंगुलर थोड़ा शेप का है जो आप ऊपर इमेज देख रहे हो उसमें, एंड टिम्पैनिम मेम्ब्रेन, ईयर टिम्पैनिम रिप्रेजेंट कर रहा है, और आईज है एंड नॉस्ट्रल्स है, अपेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स आर देयर, एंटीरियर टिप ऑफ स्नाउट एंड नेजल एरिया में उसके सबसे आगे दो नॉस्ट्रल्स होंगे और नेजल कैविटी होगी और बकल कैविटी होगी, दोनों से ही जब वो एयर लेता है तो उससे रेस्पिरेशन भी होती है, एंड बरोइंग के लिए यूज करता है वो अपने हैंड, उसके पास फोर लिम्स भी हैं, एंड फोर लिम्स जो होती हैं वो उनके अंदर आगे वाले उसके जो लिम्स होते हैं उसमें फोर फिंगर्स ही होती हैं, बस फोर डिजिट्स वाले होते हैं, और जो पीछे वाले उनके पैर होते हैं जो हिंड लिम्स होते हैं उनमें फाइव डिजिट्स होती हैं, फीट उनके वेब्ड होते हैं बिकॉज वेब्ड फीट की वजह से वो स्विम कर सकते हैं, जो उनके पैर हैं यानी फोर जो हिंड लिम्स हैं वो वेब्ड होते हैं, उनमें वेब्स होते हैं, एंड फोर लिम्स को वो किस काम के लिए, वो स्विमिंग में तो चारों लिम्स से ही स्विम करते हैं, पर वॉकिंग लीपिंग इनके लिए फोर लिम्स वो यूज करते हैं, बरोइंग मतलब गड्ढा करने के लिए यूज करते हैं डिजिट्स को. मेल्स आर यूजुअली स्मॉलर एंड डार्कर इन कलर देन द फीमेल्स, मेल्स ज्यादातर स्मॉल साइज में होते हैं, डार्कर होते हैं ज्यादा फीमेल से, और उनके वोकल सैक्स होते हैं, मतलब वो बोल पाते हैं, जो आप आवाज टर टर मेंढक की आवाज जो सुनते हो वो मेल्स की आवाज होती है. अब एनाटॉमी की अगर बात करें, बॉडी कैविटी की एनाटॉमी, डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले आता है इसमें. डाइजेस्टिव सिस्टम समवॉट सिमिलर होता है हमारा फ्रॉग से, बिकॉज हमारा फिर भी एक दो जगह डिफरेंस ये आता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे इंटेस्टाइन बहुत लॉन्ग है, बिकॉज हम ज्यादातर प्लांट फूड पे डिपेंड हैं, और फ्रॉग्स कार्निवोर हैं बिकॉज वो इंसेक्ट्स को अपने छोटे और वॉर्म्स को, जो भी कार्निवोरस उनकी लाइफस्टाइल है, किसी भी इंसेक्ट किसी भी वॉर्म किसी भी अपने से छोटे ऑर्गेनिजम्स को वो खा सकते हैं, खाते हैं, और उनको बाइलोब्ड टंग से वो स्टिकी टंग से पकड़कर खाते हैं, एंड माउथ उनका बकल कैविटी में खुलता है, एंड उसमें टीथ भी होते हैं अपर जॉ लोअर जॉ में, एंड उसके बाद फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के बाद फूड ईसोफेगस के थ्रू नीचे जाता है, ईसोफेगस नॉट शॉर्ट ट्यूब होती है, एंड देन ईसोफेगस के बाद जो फूड है वो आगे स्टमक में जाएगा. तो ये हमने पढ़ लिया डाइजेस्टिव सिस्टम की. अगर आगे की हम ऑर्गेनाइजेशन समझें तो वहां हमें पता चलेगा कि एलिमेंट्री कैनाल में फ्रॉग क्योंकि कार्निवोर है तो उसकी
शॉर्टर एलिमेंट्री कैनाल है, ये हमें पता है, ये हमने डिस्कस भी कर लिया कि फ्रॉग की शॉर्टर एलिमेंट्री कैनाल है। एंड स्टमक कंटिन उसके अंदर जो ईसोफेगस है वो स्टमक में ओपन हो रहा है। स्टमक में ओपन होने के बाद स्टमक हैज कंटिन्यूइंग इन द इंटेस्टाइन, स्टमक इंटेस्टाइन में कंटिन्यू हो रहा है एंड ओपन आउटसाइड बाय द क्लोएका, क्लोएका से ओपन हो जाता है बाहर की तरफ। तो स्टमक इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, जैसे हमारे में भी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में लास्ट पोर्शन रेक्टम है, जहाँ पे वेस्ट थोड़ी देर के लिए टेम्पररी स्टोर होता है, सही फ्रॉग में स्टोर रहता है, वहां पर वाटर एब्जॉर्ब होता है वेस्ट से। एंड लीवर यहाँ पर ऑर्गन है, डाइजेस्टिव ऑर्गन जो बाइल को सिक्रीट करता है, और वो गॉल ब्लैडर के थ्रू, गॉल ब्लैडर में टेम्पररी स्टोर करके उसके थ्रू ट्रांसफर करता है इंटेस्टाइन में। डायग्राम दे रखा है यहाँ पर फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम का, आप देख सकते हैं। हार्ट दिखा रखा है, ये तो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है हार्ट। एंड फ्रॉग में ईसोफेगस, हम डाइजेस्टिव सिस्टम की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ईसोफेगस, लीवर, स्टमक, ये स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस करे, इंटेस्टाइन्स, देन लैक रेक्टम, क्लोएकल एपरेचर इज शोन एट द लास्ट। तो क्लोएका एक ऐसा चैम्बर है जिसके अंदर जो फ्रॉग है उसके तीन ऑर्गन्स के सिक्रीशंस आते हैं। यहाँ से आप देख पा रहे हो कि जो फैट बॉडीज दिख रही हैं आपको किडनी के ऊपर येलो कलर की, तो किडनीज का सिक्रीशन भी, किडनी, आप यूरेटरी ट्यूब्स देख रहे हो वो भी क्लोएका में आया है। एंड क्लोएका में रेक्टम भी अपना सिक्रीट कर रहा है वेस्ट। तो क्लोएका ऑल्सो गेट द सिक्रीशन फ्रॉम द टेस्टीज एज वेल, टेस्टीज भी रहती हैं, तो वो भी अपना स्पर्म जो रिलीज करते हैं क्लोएका में। तो क्लोएका इज अ कॉमन एग्जिट फॉर द एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन ऑफ द फूड, डाइजेशन ऑफ फूड में एचसीएल का रोल होता है, स्टमक एचसीएल बनाता है इनका, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है एंड डाइजेस्ट फूड इन द स्टमक, स्टमक में फूड डाइजेस्ट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडिनम रिसीव बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से बाइल रिसीव करता है ड्यूडिनम। एंड पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेनक्रियास थ्रू कॉमन बाइल डक्ट, पेनक्रियाटिक जूस भी आता है उसके पास पेनक्रियास से, जैसे हम में होता है हमारी पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज करती हैं, ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडिनम जो पार्ट है वो बाइल तो गॉल ब्लैडर से रिसीव कर रहा है, लीवर उसको गॉल ब्लैडर को रिसीव कर दे रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ड्यूडिनम पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, सो गॉल ब्लैडर इज रिलीजिंग द बाइल जूस इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडिनम, गॉल ब्लैडर इज रिलीजिंग द बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस इज रिलीज फ्रॉम द पेनक्रियाटिक और कॉमन बाइल डक्ट, जैसे हमारे अंदर भी कॉमन बाइल डक्ट होता है उसके थ्रू जो बाइल जूस है और पेनक्रियाटिक जूस है वो आता है हमारे अंदर। बाइल इमल्सिफाइज द फैट एंड पेनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, जो बाइल है उसका काम है फैट को डाइजेस्ट करना एंड फैट को इमल्सिफाई करना, पैनक्रियाटिक जूस को डाइजेस्ट करना, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना, ये पैनक्रियाटिक जूस का काम है। पैनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्टेड फूड अब एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा न्यूमरस विलाइज से, बहुत सारी विलाइज होंगी वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगी, माइक्रोविलाई भी होंगी इंटेस्टाइन में वो भी उनको एब्जॉर्ब कर लेंगी, अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट रेक्टम में पास हो जाएगा और क्लोएका में पास हो जाएगा। रेस्पिरेशन की बात करें, नेक्स्ट सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो रेस्पिरेशन में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फ्रॉग हाइबरनेशन और रेस्टिवेशन के वक्त भी स्किन से रेस्पिरेशन करता है, तो स्किन इज द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज द इन वॉटर एंड स्किन एक्ट एज एक्वेटिक
रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जो पानी में भी होता है फ्रॉग, तो स्किन ही उसका एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करती है। डिजोल्ड ऑक्सीजन जो पानी में होती है वो स्किन के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू उसके अंदर चली जाती है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, वहीं पर बात करें तो मींस होता है लंग्स से रेस्पिरेशन का। तो पिंक पेयर्ड लंग्स होते हैं फ्रॉग में, एंड ड्यूरिंग एस्टिवेशन हाइब्रेशन गैस एक्सचेंज भी स्किन से ही हो रहा है। बट जब वो लैंड पे है, जब फ्रॉग लीप कर रहा है, जब फ्रॉग एक्टिव है लैंड में, तो लैंड में जो रेस्पिरेशन हो रही है वो उसकी लंग्स के थ्रू हो रही है। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू द स्किन। पेयर ऑफ लंग्स इज इन द थोरासिक रीजन अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक। तो उसके पास ट्रंक के अपर पार्ट में पेयर्ड लंग्स होते हैं। तो ये यहाँ पर हमें पता चल गया। ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर फ्रॉग का रहता है, जो कि उसके हार्ट के से रिलेटेड है। ट्राइंगुलर शॉर्ट स्मॉल हार्ट रिलेटेड है। हार्ट कैसा होगा फ्रॉग का? हार्ट इज ऑफ थ्री चेम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट, विच ट्रांसपोर्ट द मिक्सड ब्लड इनटू द बॉडी। ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर साइनस विनोसस होता है, जो राइट एट्रियम में से आता है और राइट एट्रियम से रिसीव करता है ब्लड, राइट एट्रियम में देता है ब्लड को। साइनस विनोसस विच रिसीव ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स वेना कावा से पहले साइनस विनोसस ब्लड लेगा और फिर उसको एट्रियम, राइट एट्रियम में देगा। वेंट्रिकल ओपन इनटू अ सैक लाइक कोनस आर्टरियोसस। सो वेंट्रिकल एक सैक जैसे, बैग जैसे कोनस आर्टरियोसस में ओपन होता है, जहां पर वो ब्लड देता है ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरिड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द आर्टरीज, आर्टरियल सिस्टम। ब्लड हार्ट में, पूरी बॉडी में आर्टरीज के थ्रू भेजा जाता है। वेन्स कलेक्ट द डिफरेंट पार्ट से ब्लड वेन्स कलेक्ट करके लाती हैं थ्रू द वेनस सिस्टम, एंड स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन द लीवर एंड द इंटेस्टाइन्स एज वेल एज द किडनी एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडीज आर देयर। स्पेशल वेनस कनेक्शन आर देयर इन दोज पार्ट इन द फ्रॉग। फॉर्मर इज लेड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। पहला वाला जो है, जो लीवर का सप्लाई है, वेनस सिस्टम का कनेक्शन है, उसे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। दूसरे को रीनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं, जो किडनी से है। ब्लड के अंदर प्लाज्मा है और सेल्स हैं, जैसे WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स। जैसे हमारे अंदर सेल्स हैं तीन, वैसे ही फ्रॉग में भी होते हैं। प्लाज्मा सेल्स भी हैं। आरबीसी न्यूक्लिएटेड होते हैं फ्रॉग में, हमारे में ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, हमारे में नहीं होते न्यूक्लिएट। तो फ्रॉग्स में न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होते हैं। हीमोग्लोबिन होता है फ्रॉग में, एंड रोल ऑफ ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट गैस एक्सचेंज वाटर टू द रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स। तो यहाँ पर हमने सर्कुलेटरी सिस्टम आपसे डिस्कस कर लिया फ्रॉग का, एंड वी आल्सो डिस्कस्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। टू सिस्टम्स वी हैव डिस्कस्ड हियर। एक्सक्रीटरी सिस्टम वी आल्सो विल डिस्कस नाउ। रिलीज सिस्टम भी जैसे बाकी सिस्टम फ्रॉग के हम लोगों से रिलेटेड है, हम लोग जैसे ही हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हमने देखा अभी, हम हमारे जैसा ही है, और उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हमारी तरह ही है। उसके पास भी किडनी शेप्ड
डार्क पिंक, डार्क ब्राउनिश और पिंकिश। पेयर ऑफ किडनीज है, पेयर ऑफ यूरेटर है, एंड ऑल्सो दे हैव द यूरिनरी ब्लैडर। बट डिफरेंस कहाँ आता है कि सिक्रीशन किडनी का यूरेटर के थ्रू थोड़ी देर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहता है, फिर क्लोएका के थ्रू ही बाहर आता है। फ्रॉग्स में क्लोएका चैम्बर एक ऐसा चैम्बर है जिसमें थ्री सिस्टम्स के ओपनिंग खुलते हैं, एंड दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन विद यू। और वॉट विल बी सुटेबल, बिकॉज आई थिंक द नेटवर्क इज स्लो, द स्क्रीन इज बीन नॉट लोडेड। सो वॉट आई विल डू, आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो फॉर दिस, फॉर द एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेट मी मेक अनदर वीडियो। तो आई विल बी मेकिंग अनदर वीडियो फॉर दिस, एंड टिल देन इफ यू लाइक द वीडियो एंड अंडरस्टूड द एनाटॉमी ऑफ द फ्रॉग, देन प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।